गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में कल हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश किया था, जिसका नाम था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सबसे पहले हम अपने प्रीवियस सेशन को ही समराइज़ कर लेते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी सिचुएशन होती है, या बोल सकते हैं एक ऐसा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स जो हैं लार्ज क्वान्टिटी में अवेलेबल होते हैं। मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन वाला मार्केट है जहाँ पे जो आपके बायर्स और सेलर्स हैं वो लार्ज नंबर में अवेलेबल होते हैं, और आपके प्रोडक्ट भी काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। बट मेन चीज़ यहाँ क्या है, जो प्राइस है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, जो प्राइस है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। आप उस प्राइस को कहीं पर भी किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से उसमें कुछ भी अपने तरफ से ना ऐड कर सकते ना लेस कर सकते। वो जो प्राइस है वो इंडस्ट्री आपके एस्टेब्लिश करके देती है। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जो प्रोडक्ट है वो आपका होमोजेनियस नेचर का होता है। होमोजेनियस नेचर होने का क्या मतलब है, जो प्रोडक्ट है आपका वो कैसा रहेगा, सेम नेचर का रहेगा, एक जैसा ही प्रोडक्ट होगा जिसके नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। डन। तो अब हम, मैंने आपको कल भी बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन मार्केट जो है काफ़ी टाइप के होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डाइलोजोपोली, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोनोपोली की बात करते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था मोनोपोली का मतलब भी क्या होता है, सिंगल। मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होगा जहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेलर होगा, एक ही पर्सन होगा जो उस प्रोडक्ट को बनाता है, और उसके जैसा प्रोडक्ट आपको मार्केट में कहीं पे भी दूसरा अवेलेबल नहीं होगा। और सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, आपका जो प्रोडक्ट है उसका बिल्कुल नियर बाय अल्टरनेटिव। हम कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में, जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक के किसी भी लॉ को स्टडी करते हैं, तो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट इस सिचुएशन में क्या है, मोनोपोली की सिचुएशन में आपको उस प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट कहीं पे भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो चलिए मोनोपोली डिस्कस करते हैं क्या होता है। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ गुड्स विद नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली जो है मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है, और आप जो सेलर होता है उसके प्रोडक्ट का कोई भी क्लोजर सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। मतलब प्रोडक्ट भी आपका क्या रहेगा, एक ही रहेगा, और सेलर भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ओनली वन सेलर और वन पर्सन प्रोड्यूसेस द गुड्स। सिर्फ एक सेलर या एक पर्सन ही क्या करेगा, आपके गुड्स को प्रोड्यूस यहाँ पे करेगा। देखिए नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट हैव डिफाइंड मोनोपोली एज अंडर, अकॉर्डिंग टू स्टोनियर एंड हॉग, मोनोपोलिस्ट इज दैट प्रोड्यूसर हु हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यही अभी हमने डिस्कस किया कि मोनोपोली जो है वो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रोड्यूसर का कोई भी, एक तो प्रोड्यूसर का जो है मार्केट पे कंप्लीट कंट्रोल रहता है, सप्लाई पे कंप्लीट कंट्रोल रहता है, रीज़न क्योंकि वो एक ही वहाँ पे अवेलेबल है, और दूसरा क्या है, उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको अवेलेबल मार्केट में नहीं होता। जन सेकंड, एज पर लर्नर मोनोपोलिस्ट इज दैट सेलर हु हैज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट, दैट इज इट हैज इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। लर्नर क्या कह रहा है, मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा सेलर होता है जिसका जो डिमांड कर्व है वो हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, मतलब इन इलास्टिक सप्लाई होती है उसकी। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन मोनोपोलिस्ट इज वन हु हैज नॉर्मली अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई। मोनोपोलिस्ट क्या है, एक ऐसा पर्सन है जिसका सप्लाई पे कंप्लीट कंट्रोल रहता है, एंड इन अ नंबर ऑफ केसेस ही डज नॉट ऑपरेट सप्लाई बट ऑपरेट प्राइसेस ओनली। और कई केस ऐसे होते हैं जिसमें वो सप्लाई पे नहीं बल्कि प्राइस पे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, मोनोपोली की सिचुएशन है, एक सिंगल सेलर है, उसके प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है मार्केट में, तो इन सभी कंडीशन को देखते हुए उसका प्राइस कैसा होगा, उसका प्राइस ऐसा होगा जो
क्या होगा, हायर होगा। रीज़न, वो एक ही प्रोडक्ट है और कस्टमर को वो प्रोडक्ट भी चाहिए, तो जो सेलर है वो अपना अकॉर्डिंगली प्राइस सेट करके कस्टमर को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है या उससे रीजनेबल प्राइस भी ले सकता है, दोनों सिचुएशन यहाँ रहती है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम मोनोपोली के बारे में दोबारा डिस्कस करें तो क्या है मोनोपोली? एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक सेलर होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट का कोई भी नियर बाय सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। डन। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोनोपोली के, ये देखिए। ओनली वन सेलर, वन प्रोड्यूसर और वन सप्लायर, ये इसके फॉरमोस्ट कंडीशन है। और आपको कन्फ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल मतलब होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक सिंगल ही तो सेलर होगा, सिंगल ही प्रोड्यूसर होगा या सिंगल ही सप्लायर होगा। सेकेंड, प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ गुड्स विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। और ये एक ऐसे तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नियर बाय कोई भी क्लोजर सब्स्टिट्यूट आपको अवेलेबल नहीं होता। थर्ड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लेस। यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं डिमांड और सप्लाई, वो यहाँ पे बहुत रेयर रहती है। नंबर फोर्थ, मोनोपोली फर्म इन इज इंडस्ट्री इन इट्सेल्फ। परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था ना इंडस्ट्री क्या होता है। क्या होता है इंडस्ट्री? जब नंबर ऑफ कंपनीज मिलकर के एक ग्रुप बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। तो जब मोनोपोली फर्म होती है वो अपने आप में ही एक इंडस्ट्री होती है। रीजन, एक सिंगल फर्म है तो वो कौन से फर्म को कंबाइन करेगी। डन। इस वजह से मोनोपोली फर्म की जो इंडस्ट्री है वो मोनोपोली फर्म खुद ही होती है। इट मीन्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मोनोपोली की सिचुएशन में फर्म और इंडस्ट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। नंबर फिफ्थ, डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इंडिकेट्स दैट मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द मार्केट प्राइस। देखिए, मोनोपोली सिचुएशन में डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोप होने का रीजन क्या होता है, इस सिचुएशन में जो है जो सेलर है काफ़ी ज़्यादा प्राइस आपसे चार्ज करता है। बट लो ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस जितना लो होगा डिमांड उतनी ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी वजह से जो मोनोपोली सिचुएशन है उसमें डिमांड कर्व हमेशा आपका डाउनवर्ड स्लोप रहता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी को हम तभी मैक्सिमम नंबर में सोल्ड कर सकते हैं जब उसका जो प्राइस है वो क्या हो, लो हो। इन दिस वे एमआर कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट इज बिलो द एआर कर्व और डिमांड कर्व। इसी वजह से जो मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व होता है मोनोपोली सिचुएशन में वो हमेशा एवरेज रिवेन्यू के नीचे रहता है या डिमांड कर्व से भी नीचे की तरफ होता है। देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस फिगर में जो आपका एआर है वो यहाँ है और एमआर क्या है, उसके बिलो है, उसके नीचे है। रीज़न क्या है? क्योंकि हम सिर्फ तभी ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं जब हमारा प्राइस क्या होगा, लो होगा। ओके, नंबर सिक्स, मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन आइदर क्वांटिटी और प्राइस नॉट बोथ एट ए टाइम। जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या कर सकता है, या तो क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकता है या प्राइस को, पर दोनों को एक साथ वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इफ अ मोनोपोलिस्ट फिक्सेस प्राइसेस देन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल बी एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। देखिए, अगर मोनोपोलिस्ट जो है वो अगर प्राइस फिक्स करता है तो जो क्वांटिटी सोल्ड होगी या जो प्रोडक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, जितने कस्टमर को चाहिए। ओके, नंबर सेवन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोनोपोलिस्ट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मोनोपोलिस्ट का वो क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। हर तरीके से वो हर सिचुएशन में अपने प्रॉफिट को क्या चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है। नंबर एट, देयर आर लार्ज बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स फॉर एंट्री इनटू इंडस्ट्री। देखिए, मोनोपोलिस्ट इंडस्ट्री में एंट्री, मोनोपोली इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं, काफ़ी सारे हर्डल्स होते हैं, इन कंट्रास्ट टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी फर्म ईजिली इसके अंदर आ सकती है और यहाँ से बाहर जा सकती है। बट मोनोपोली कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ क्या है, हर कोई फर्म जो है ईजिली उस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर सकती। These obstacles may be artificial, institutional, economic or financial. This can be understood with the help of simple example. आप जो है एक example के थ्रू समझ सकते हैं कैसे होता है। Sometimes product differentiation is so strong that consumer recognize that commodity by its brand name only. आपने देखा होगा product differentiation इतना strong होता है कई बार कि हम brand से ही उसकी quality के बारे में जान जाते हैं। Due to financial barriers, firms may not be able
टू मैनेज द फंड्स व्हेन फाइनेंशियल नीड इज़ वेरी लार्ज। और कई बार फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से बेशक हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, बट फिर भी हम उस पैसे को अरेंज नहीं कर पाते। इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स ऑफ द फर्म हैज़ ऑब्टेंड पेटेंट विच इज़ ग्रांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंस्टीट्यूशनल बैरियर में क्या हो सकता है, पेटेंट दे देना। जैसे आपने देखा होगा जो ब्रांडेड क्लोथ्स आते हैं, जैसे एडिडास के शूज़ आते हैं, नाइक के शूज़ आते हैं, इसके अलावा आपके Alibaba.com पे आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, ज़ारा के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो क्या है, उनको क्या मिली है, पेटेंट मिला है, लाइसेंस मिला है जो लंबे टाइम तक चलता है। तो इंस्टीट्यूशनल बैरियर यहाँ से आ सकता है। पेटेंट जिसके पास है सिर्फ वही उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है, दूसरों का क्या वो प्रोडक्ट क्या होता है, इलीगल होता है। इसके अलावा द लाइसेंस्ड फर्म कैन प्रोड्यूस दैट गुड ओनली इन द टाइम पीरियड गवर्नमेंट ऑल्सो ग्रांट डिग्री एंड लाइसेंस टू कंडक्ट अ पर्टिकुलर प्रोफेशन लाइक मेडिसिन, टीचिंग, लॉ प्रैक्टिस एक्सेट्रा। इकोनॉमिक रीजंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल द एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म डिक्लाइन कॉन्टिन्यूसली। दिस इज द रीजन दैट पब्लिक यूटिलिटी गुड्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, टेलीफोन हैव मोनोपोली पावर। देखिए यहाँ पे सारे जो हैं आपके बैरियर्स के बारे में डिस्कस किया गया है इस पैराग्राफ में। सबसे पहले आर्टिफिशियल बैरियर बताया गया है कि हम ब्रांड के थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वहाँ से आर्टिफिशियल बैरियर आ गया। इंस्टीट्यूशनल बैरियर क्या हुआ, पेटेंट का राइट हो गया, लाइसेंस का राइट हो गया, और वो पेटेंट होल्डर या लाइसेंस होल्डर ही क्या है, आपके उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उस वजह से कोई नहीं आ सकता। इसके अलावा फाइनेंशियल बैरियर क्या हो सकता है, आपको कैपिटल की नीड थी बट वो कैपिटल आपके पास नहीं आ सकी। इसके अलावा इकोनॉमिक बैरियर क्या हो सकता है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लग रही है, वो इतनी कम है कि आप, वो इतनी ज़्यादा है कि आप अपने प्रॉफिट ही वहाँ से अर्न नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी इकोनॉमिकल बैरियर हो सकता है। और इकोनॉमिकल बैरियर जो है मेनली किस में होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, जैसे कि टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, वहाँ पे हम क्या है बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस पे करते हैं, ठीक है, तो लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से भी इन सेक्टर्स में हर किसी का एंट्री करना काफ़ी मुश्किल होता है और ये जो है मोनोपोली सिचुएशन को एंजॉय करती है। ओके, ये हमने अभी करेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ मोनोपोली और फाउंडेशंस ऑफ मोनोपोली पावर। देखिए सोर्सेज ऑफ मोनोपोली और फाउंडेशन ऑफ मोनोपोली पावर में क्या है, देर मे बी मैनी रीजन फॉर एमरजेंस ऑफ मोनोपोली, इट्स मेन रीजन इज बैरियर्स ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, दीज फैक्टर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच बैरियर। देखिए काफ़ी सारे रीजन होते हैं एक मोनोपोली फर्म बनने के, बट उसमें जो सबसे मेन रीजन होता है वो क्या होता है, बैरियर्स का। और कौन कौन से फैक्टर बैरियर्स को अफेक्ट करते हैं वो देखिए। नंबर फर्स्ट, कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑन रॉ मटेरियल विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। एक प्रोड्यूसर का जो है रॉ मटेरियल पे कंप्लीट कंट्रोल है और वो जो रॉ मटेरियल है वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफ़ी एसेंशियल हो सकता है। सेकेंड, गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस फॉर प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। गवर्नमेंट जो है कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी ऐसी होती है जिनको सेल करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जैसे मेडिसिंस हो गई, इसके अलावा सीड्स, फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तभी हम उस चीज़ को रन कर सकते हैं, तो यहाँ से भी बैरियर रहता है। नंबर थर्ड, दिस पर्टिकुलर फर्म इज प्रोड्यूसिंग द गुड एट लोवेस्ट कॉस्ट एज इट इज रीपिंग इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये जो फर्म है काफ़ी कम कॉस्ट पे अपना प्रोडक्शन करती है, क्यों, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करती है। और आपको पता है अगर हम लार्ज बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट कहाँ मिलता है, जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, वो पर यूनिट के कंपेरिजन में काफ़ी लो हो जाती है। दिस रेस्ट्रिक्ट अदर फर्म टू एंटर इन टू द मार्केट, और इस वजह से भी काफ़ी सारे जो फर्म्स है वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाती। अबव एक्सप्लेनेशन इज रिलेटेड विद इम्परफेक्ट मोनोपोली और सिंपल मोनोपोली। इन प्योर मोनोपोली द फर्म प्रोड्यूसेस दैट कमोडिटी विच हैज़ नो सब्सटीट्यूट एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इम्परफेक्ट मोनोपोली या सिंगल मोनोपोली में, सिंपल मोनोपोली में आपको देखने को मिलेगी, बट जो प्योर मोनोपोली होती है वहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसका कोई भी नियर बाय सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो ही नहीं सकता। Apart from this, the demand for such commodity is so strong that consumer is compelled to spend his entire income on this commodity only.
और इसके अलावा ये जो कमोडिटी होती है इतनी ज़्यादा एसेंशियल होती है, ये इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है मार्केट में कि महंगी होने के बावजूद भी कस्टमर जो है अपनी सारी अर्निंग उस पर स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाता है। एज अ रिजल्ट एवरेज कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल इन रियल लाइफ, देयरफॉर इम्परफेक्ट मोनोपोली प्रिवेल्स इन द मार्केट। बट जो ये सिचुएशन है कि चाहे कितना ही हाई प्राइस हो, कस्टमर अपने सारी इनकम स्पेंड करके भी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, ये जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इस वजह से हमारे मार्केट में इम्परफेक्ट मोनोपोली ज़्यादा रन करती है। द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली इन इंडिया आर इंडियन रेलवेज, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर प्लांट्स एक्सेट्रा। जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इंडिया में मोनोपोली के वो क्या क्या हैं, एक तो इंडियन रेलवेज, चाहे वो कितना ही लॉस में जा रहा हो बट फिर भी इंडियन रेलवेज अपने आप में एक मोनोपोली फर्म है, ठीक है, कोई भी दूसरा जो कॉम्पिटिटर है उसमें एंट्री नहीं कर सकता। इसके अलावा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाला होता है वो, और न्यूक्लियर प्लांट पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो भी। ये कौन सी सिचुएशन है, मोनोपोली की सिचुएशन है। तो आज के लिए हम इतना इनफ करते हैं, कल हम करेंगे एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व इन मोनोपोली, कि एवरेज कर्व और मार्जिनल कर्व के बीच में मोनोपोली मार्केट में किस तरीके का रिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा हम अपने सेशन को समराइज कर लेते हैं। हमने किया क्या है ओवरऑल सेशन में, हमने ओवरऑल सेशन में आज ये डिस्कस किया है कि मोनोपोली फर्म होती क्या है। अगेन बता देती हूँ मोनोपोली फर्म क्या होती है। मोनोपोली फर्म एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट की जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर होता है, एक सप्लायर होता है और प्रोडक्ट भी आपका क्या होता है, एक ही होता है। आपके प्रोडक्ट का एंटायर मार्केट में कोई भी नियर बाय सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं होता। इसके अलावा जो मोनोपोली फर्म में सेलर होता है उसका प्राइस और सप्लाई दोनों पे कंट्रोल रहता है, बट उसका डिमांड पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मोनोपोली फर्म में जो लो ऑफ डिमांड है वो क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। लो ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट मोनोपोली फर्म में क्या होता है, जो सेलर है अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर आपसे प्राइस चार्ज करता है और वो प्राइस नॉर्मली काफ़ी हाई होते हैं, जिस वजह से क्या है आपकी जो डिमांड है हमेशा डाउनवर्ड स्लोप रहती है डिमांड कर्व आपका, दैट मीन्स आपकी डिमांड हमेशा कम रहती है, ठीक है। इन सभी सिचुएशन से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जो सिचुएशन है जिसमें प्योर मोनोपोली हो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। इसी वजह से हमारा जो मार्केट है वो मोस्टली कवरअप किया गया है इम्परफेक्ट मोनोपोली के थ्रू। इम्परफेक्ट मोनोपोली जो है वो हमारे कंप्लीट मार्केट को कंट्रोल करके रखती है, जिसमें क्या है इम्परफेक्ट मोनोपोली में क्या होता है कि या तो हमारा रॉ मटेरियल पे कंप्लीट कंट्रोल है, या हमें लाइसेंस मिला है, या हमारी कॉस्ट इतनी कम आ रही है कि जो दूसरे कॉम्पिटिटर फर्म है वो हमारे कॉम्पिटिशन में स्टैंड ही नहीं कर पा रही। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, कल हम इसका मेन टॉपिक करेंगे एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व इन मोनोपोली, दैट व्हाट वाज द एवरेज कर्व एंड व्हाट वाज द मार्जिनल रिवेन्यू कर्व इन मोनोपोली सिचुएशन। वैसे मैंने आपको बताया था अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एवरेज और मार्जिनल एवरेज रिवेन्यू कर्व और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व का रिलेशन क्या होता है मोनोपोली में। जो एवरेज आपका जो एवरेज रिवेन्यू कर्व है वो हमेशा मार्जिनल रिवेन्यू कर्व से क्या रहता है, अबव रहता है। रीज़न क्या है इसका, डिमांड की वजह से है, क्योंकि जो डिमांड का कर्व है आपका हमेशा वो क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोप रहता है इसी वजह से। बाकी जो है कल हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे दैट एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व इन मोनोपोली होता क्या है और उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा रहता है। ओके स्टूडेंट, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड एज यूजुअल इफ एनीवन अमंग हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी फ्रीली इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।